का जो जत्था है वो सिंघू बॉर्डर पहुंचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों का दिल्ली कूच, सुरक्षा चूक है, लेकिन किसान जो है सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश है और किसान आंदोलन पार्ट टू का हल कैसे निकलेगा वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से किसान पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें, केंद्रीय एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था चंडीगढ़, जहां किसानों से, किसान संगठनों से बातचीत की गई थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है और अब किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है कैसे किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार फिर से किसान पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों पर पुलिस का एक्शन। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं और पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच किया है और किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। तो किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता रहे, लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को रख रहे थे, अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया है और इसी वजह से नोएडा और दिल्ली के लोगों को जाम से जूझना भी पड़ रहा है। आपको बता दें, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे और किस तरीके से उनको रोकने के लिए पुलिस को व्यापक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर मौजूद है, उन्होंने आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया है ताकि उनको रोका जा सके। हल्के बल का प्रयोग किया गया है। तो किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो गई है और कैसे इसका हल निकलेगा? क्या जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें कई उपद्रवी भी शामिल थे किसानों के वेश में, और उन्होंने लाल किले पर किस तरीके से आतंक मचाया था, एक बार फिर से क्या ऐसा देखने को मिल सकता है? लेकिन पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो चाक चौबंद है और हर मंसूबे पर उपद्रवियों के वो पानी फेरने के लिए जुटी हुई है। तो किसान पहुंच रहे हैं, किसान संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करेंगे, लेकिन कुछ उपद्रवी जो किसानों के वेश में शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कृत्य करते हैं। जब उसको रिटेलिएट किया जाता है तो फिर मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशाल ठाकुर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विशाल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है वो पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस जो है वो आंसू गैस गैस जो है वो इस्तेमाल कर रही है। साथ में अगर बात करें तो जो हवा में जो बम फोड़े जाते हैं उसकी आवाजें भी आप देखते हैं, सुन सकते हैं। लगातार जो है वो टियर गैसें जो है छोड़ी जा रही है। हालांकि अभी जो प्रोटेस्टर्स है वो अभी कुछ ही लोग जो थे वो बिल्डिंग के पास पहुंचे हुए थे। तमाम जो जथेबंदियां हैं वो अभी बहुत दूर है, अभी तक वो पहुंची नहीं थी। लेकिन उससे पहले ही चेतावनी देकर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो है वो है, लेकिन लगातार जो है वो शंभू बॉर्डर है वहां पर लगातार जो है वो और जो बम
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और किस तरीके से आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े हैं इन किसानों को रोकने के लिए। तो शंभू बॉर्डर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है और लगातार जो है पुलिस की बात कर लें, चाहे दिल्ली पुलिस की बात कर लें, हरियाणा पुलिस की बात कर लें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर लें, वो पहले से चाक चौबंद थी, मुस्तैद थी ताकि कोई अप्रिय स्थिति दोबारा ना बन सके। क्योंकि एक बार देश ने वो अंजाम देखा है कि जब किसानों के वेश में किस तरीके से आतंक मचाया गया था, लाल किले तक पहुंचे थे ये तमाम जो लोग हैं। और शंभू बॉर्डर पर अब किसानों का प्रदर्शन जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है। न्यूज स्टेट लगातार हर एक बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखा रहा है, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो शंभू बॉर्डर से फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से किसान वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको रोकने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसको लेकर लगातार चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और दिल्ली में ना प्रवेश कर पाए इसको लेकर भी पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कैसे वहां पर जो नुकीले ब्रेकर्स हैं वो बनाए गए हैं और उनको वहां पर लगाया गया ताकि अगर वहां पर गाड़ियां जो ट्रैक्टर्स हैं, जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं, वो आगे बढ़े, वो पंचर हो जाएं और आगे ना बढ़ पाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा है इन तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वहां पर किसान प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब उनको रोकने की कोशिश जारी है ताकि वो राजधानी में प्रवेश ना कर सकें। यहां पर जो तमाम लोग हैं उनको भी मुश्किलों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। जैसे ही जब इन बॉर्डर्स को सील किया गया, किसानों के आने की सूचना मिली, उसके बाद नोएडा की बात कर लें, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तमाम सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। एम्बुलेंस भी उसमें फंसी हुई नजर आई, जिसकी तस्वीरें न्यूज स्टेट ने आपको दिखाई। लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। तो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा की तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तस्वीर शंभू बॉर्डर की है जहां पर किस तरीके से आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करना पड़ा है। दूसरी तस्वीर नोएडा की आप देख रहे हैं जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई थी सुबह से, हालांकि उसको खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनको खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी किलोमीटर लंबा जाम जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो दफ्तर जाते हैं।